नए नए बिजनेस आइडिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रोजगार के अवसर को, और साथ में इस घंटी वाले आइकॉन को दबाकर हमारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिसे हम जो भी नया वीडियो अपडेट करें उसका पता सबसे पहले आपको चल सके। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं बुलंद हौसलों की एक और कहानी, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी सीख दे जाएगी। कहा जाता है कि जब इंसान अपनी लगन, एकाग्र लक्ष्य और पूरे मजबूत संकल्प के साथ जब कोई काम करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों और आपको कोई उम्मीद की किरण ना दिख रही हो, तो इंसान को कभी भी धैर्य और सब्र नहीं खोना चाहिए, और कभी भी हालातों के आगे हार नहीं माननी चाहिए और लगातार सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, सुकम इन्वेटर नाम की कंपनी आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और करीब 70 से भी अधिक देशों में इसका कारोबार फैला है। और हाल ही में इस कंपनी के मालिक कुंवर सचदेव जी ने बताया कि आज कंपनी का करीब 1836 अरब रुपए का टर्नओवर है। लेकिन शायद कोई ये नहीं जानता कि इस कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई थी। दोस्तों, कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता आसान नहीं था। जब कुंवर सचदेव 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय वो अपने भाई के साथ मिलकर घर घर जाकर पेन बेचा करते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर इतनी बड़े स्तर पे बिजनेस करेंगे। बाद में उन्होंने वो काम छोड़कर एक टीवी केबल वाले के पास नौकरी कर ली और घर घर जाकर टीवी केबल लगाने लगे। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो समय उनके लिए काफी संघर्ष भरा रहा था। लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी से 10,000 रुपये इकट्ठे किए और अपनी एक खुद की दुकान खोली, जिसका नाम रखा सुकम, और फिर ये खुद के केबल डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। अब बात करते हैं कुंवर इलेक्ट्रॉनिक किंग कैसे बने। उन दिनों इन्वर्टर बनाने की कंपनियां विदेशों में भी नहीं थी। एक दिन कुंवर सचदेव जी को विचार आया कि क्यों ना एक इन्वर्टर बनाने का काम शुरू किया जाए। बस उसी दिन उनकी सफलता की शुरुआत हुई। उन्होंने कई अच्छे इंजीनियरों को अपने साथ जोड़ा और बहुत छोटे स्तर पर इन्वर्टर बनाने का काम शुरू किया। उनके परिवार और बाकी लोगों ने भी उन्हें रोका और कहा कि आपको इस बिजनेस की कोई समझ नहीं है तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन कुंवर अपनी जिद पे अड़े रहे और बहुत जल्द इंजीनियरों की मदद से काफी अच्छे डिजाइन के इन्वर्टर मार्केट में ले आए, और सौभाग्यवश लोगों को उनके इन्वर्टर बहुत ही पसंद आए। धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा और जल्द ही पूरे भारत में उन्होंने सफलतापूर्वक अपना काम जमा लिया। दोस्तों, कुंवर सचदेव ने युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। वो कहते हैं कि आज के युवा हताश रहते हैं कि उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है या उनके पास अच्छी डिग्री नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि केवल स्कूल की पढ़ाई या डिग्री लेकर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। उसके लिए अच्छी समझ, मेहनत और लगन की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर भी वो लगन और सफल बनने का जज्बा है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आगे हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लाते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।